Today I am going to start the topic combinational circuit in digital electronics. So what is combinational circuit? And first of all, I want to tell you about that digital circuit is divided into two parts. First is combinational circuit and सेकेंड वन इज सिक्वेंशियल सर्किट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम उसके बारे में जानते हैं. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो हमारा आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड होता है, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में ऐसा नहीं होता है. उसमें उसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर तो डिपेंड होता है, लेकिन उसी के साथ वो प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड होता है. हम जब सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे आगे, तब वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे. देखो, अगर पेपर में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाएगा तो आप क्या डिफरेंस लिखोगे कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट में? प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली, जैसे कि मैंने अभी बताया, और प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज ऑन प्रीवियस आउटपुट. ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें? कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसको कुछ स्टोर ही नहीं करना रहता, प्रेजेंट इनपुट पर ही केवल डिपेंड करता है. तो फिर हमें मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि प्रीवियस तो कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं. पर इसमें हम प्रीवियस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेमोरी विल बी प्रेजेंट. कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, और इसमें फीडबैक प्रेजेंट होता है. एग्जांपल्स क्या हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट के? कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब हमारा आ जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में. और सिक्वेंशियल सर्किट में हमारा आता है फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर एट्सेट्रा, जिसमें भी हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा आ जाता है सिक्वेंशियल सर्किट में. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन के सर्किट डिज़ाइंस. इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ एडर से. हाफ एडर, नाम से क्या पता चल रहा है, हाफ एडर ऐड कर रहा है हाफ यानी कि टू बिट नंबर को टू वन बिट. मतलब जैसे कि वन और वन टू नंबर हैं और दोनों वन बिट के हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने को कहेंगे हाफ एडर. एडर मीन्स सिंपली ऐड करना, टू वन बिट एडिशन को कहते हैं हाफ एडर. तो देखो हमें क्या क्या, टू वन बिट है ना, तो इसके लिए कितने इनपुट लगेंगे? फोर इनपुट. क्यों? क्योंकि टू की पावर टू फोर. तो सम और कैरी कैसे आएगा इसका? ऐड करने के लिए हमें टू इनपुट चाहिए ना, और टू इनपुट का मतलब क्या होता है, जब भी हमने पहले पढ़ा था, अगर हमें टू इनपुट की कोई टेबल बनानी होती है उसका मतलब होता है टू की पावर टू यानी कि फोर, फोर बिट की ट्रुथ टेबल बनेगी हमें, ठीक है. अब हमें जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? तो हमें सम मिलता है, कैरी मिलता है. तो अब ऐड करते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या सम हो जाएगा? ज़ीरो. ज़ीरो प्लस वन ज़ीरो. यहाँ पे ज़ीरो प्लस ज़ीरो ऐड किया हमने तो ज़ीरो आया, कैरी क्या आया? ज़ीरो. ज़ीरो प्लस वन, सॉरी यहाँ पे वन आएगा और कैरी कुछ भी नहीं आएगा. वन प्लस ज़ीरो वन, कैरी कुछ भी नहीं, और वन क्या हो जाएगा? ज़ीरो, और कैरी क्या हो जाएगा? वन. मैंने आपको पहले ही बता रखा है एडिशन जब करते हैं तो वन प्लस वन क्या होगा एक्चुअल में, डेसिमल में वैल्यू क्या होगी? वन और वन टू है. टू को बाइनरी में क्या लिखते हैं? टेन, ठीक है. तो इसलिए ये हो गया हमारा सम और ज़ीरो हो गई हमारी कैरी, इसलिए ये हो गया हमारा यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ हो गया वन, ठीक है.
कैरी में चला गया ना, और बचा क्या, ज़ीरो। तो ज़ीरो यहाँ आ गया और वन यहाँ आ गया। हाफ एडर की इक्वेशन देखेंगे अब हम। सम की इक्वेशन है एक्स एक्सोर वाई और सी की है एक्स इंटू वाई। ये कैसे आई? सबसे पहले हम सम का देखते हैं, सम की इक्वेशन कैसे बनी है। तो हम क्या देखते हैं, वन कहाँ कहाँ पर आ रहा है, आउटपुट जो है कहाँ पर है। ज़ीरो वाला तो हमें लेना ही नहीं है, वन वाला यहाँ है और यहाँ है। तो यहाँ देखेंगे कि क्या क्या हो रखा है। तो क्या है ये है एक्स, एक्स पे ज़ीरो है, वाई पर वन है। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन, ठीक है, और वन ज़ीरो, वन ज़ीरो। तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये हमारा किस में आता है, एक्स एक्सोर वाई होता है ना, ये हमारा एक्स एक्सोर वाई, ठीक है। पढ़ा था ना पहले हम लोगों ने, वहाँ पे जाकर के देख लेना प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पर भी ट्रुथ टेबल और फिर इन सब के बारे में पढ़ा रखा है, लॉ वगैरह है, वहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व कर रखे हैं, वहाँ पे पता चल जाएगा। कैरी, कैरी में क्या है, कैरी में क्या है, सिंपली एक्स इंटू वाई, ये दोनों हाई है ना, तो एक्स इंटू वाई, इसलिए कैरी में खाली एक्स इंटू वाई है। इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स एक्सोर वाई, यानी कि दो इनपुट होना चाहिए। तो हमने ले दिया एक्स वाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, हमारा सम का आउटपुट तो ये आ रहा है एक्स एक्सोर वाई, और कैरी का आउटपुट हमारा आ रहा है एक्स इंटू वाई। तो हमने एक्स से पॉइंट लिया, वाई से लिया और एक एक्सोर बनाया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सोर वाई। अब हमें क्या चाहिए कैरी के लिए, एक्स इंटू वाई। तो हमने एक्स से इनपुट लिया, वाई से इनपुट लिया और उसका एंड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो एंड होगा ना, तो एंड कर दिया, तो एक्स इंटू वाई, ये हो गई हमारी कैरी की इक्वेशन। तो हमारा आज हाफ एडर कंप्लीट हो गया। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोगों ने हाफ एडर का देख लिया, ट्रुथ टेबल देख ली, उसकी इक्वेशन देख ली, सर्किट डायग्राम देख लिया। हाफ एडर क्या काम करता है, 2 1-bit को ऐड करता है। तो हमें 2-bit को ऐड करने के लिए कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, 4, ठीक है।